बेटा इतनी लेट जल्दी उठा करो पढ़ लिया करो ये छुट्टियाँ नहीं हैं स्कूल में होते तो पढ़ते ना इसी तरह से सारा दिन जो है हम इस लॉकडाउन के टाइम में अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ कहते हैं बोलते हैं तो क्यों ना शुरू किया जाए कि हम इसको इंग्लिश में बोलें अगर आप इसी तरह की जो रियल लाइफ इंग्लिश है वो सीखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन आल्सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टूडेज लेसन लॉकडाउन इंग्लिश फॉर पेरेंट्स सो हेयर इज द सेंटेंस बेटा इतनी लेट जल्दी उठा करो हे बेबी यू गेट अप सो लेट ट्राई टू गेट अप अर्ली पढ़ लिया करो ये छुट्टियाँ नहीं हैं स्कूल में होते तो काम करते ना डू योर स्टडी पढ़ लिया करो मीन्स डू योर स्टडी दीज आर नॉट हॉलीडेज फॉर फन ये मस्ती करने के लिए छुट्टियाँ नहीं हुई हैं तुम्हें टाइम वेस्ट मत किया करो डोंट वेस्ट योर टाइम इधर उधर टाइम वेस्ट मत किया करो डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर या Don't waste your time in watching movies or watching TV. मुझे मुझे झिकझिक बिल्कुल पसंद नहीं बच्चे क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ फ्री हैं तो लगे रहते हैं ये कर दो वो कर दो ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना तो हम कहते हैं झिकझिक मत करो मुझे पसंद नहीं है आई डोंट लाइक एनी फर्स आई डोंट लाइक एनी फस या आप ये भी बोल सकते हैं डोंट बी सो फसी डोंट बी सो फसी मुझे काम करने दो डिस्टर्ब मत करो कई बार हमें भी अपना ऑफिशियल वर्क करना होता है तो हम कहते हैं लेट मी डू my वर्क डोंट डिस्टर्ब मी लेट मी डू my वर्क डोंट डिस्टर्ब मी अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है तो मेरे चैनल पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस लेसन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप मेरे साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आई गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नेक्स्ट इज शुक्र है स्कूल वाले होमवर्क भेज रहे हैं थैंक गॉड स्कूल टीचर्स आर सेंडिंग होमवर्क रेगुलरली पता नहीं ये सब कब तक खत्म होगा गॉड नोज वेन विल दिस गेट ओवर गॉड नोज When will this get over? थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोते रहो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में आप हर जगह से सुन रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आप ही अपने बच्चों को देते रहिए कीप वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स कीप वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर समाइम भी बोल सकते हैं या फिर अपने हाथों और चीज़ों को सैनिटाइज करते रहें कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स एंड बिलोंगिंग्स कीप सैनिटाइजिंग योर हैंड्स एंड बिलोंगिंग्स लेस या चिप्स के पैकेट को धोकर फिर खाना अगर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जहाँ पे बच्चे जो पैकेट की चीज़ें खा रहे हैं उनको वॉशिंग इंस्ट्रक्शन आपको देनी पड़ेंगी वॉश द पैकेट ऑफ लेस और चिप्स एंड दैन टेक इट वॉश योर चॉकलेट एंड दैन टेक इट बाहर बिल्कुल नहीं जाना है बच्चे फिर भी बाहर जाने की जिद कई बार कर लेते हैं डोंट गो आउटसाइड एट ऑल एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी नहीं दोस्तों से अब करोना के बाद मिलना जैसे या खेलना हम कहते हैं कि अभी ये सब खत्म हो जाने दो फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना प्ले विद योर फ्रेंड्स आफ्टर करोना टैरर गेट्स टू एन एंड प्ले विद योर फ्रेंड्स आफ्टर दिस करोना भी बोल सकते हैं सिंपल अगर बोलना चाहते हैं या फिर करोना टेरर गेट्स टू एन एंड कि ये जब ख़त्म हो जाएगा लॉकडाउन की वजह से ये नहीं मिलेगा कई चीज़ें बच्चे डिमांड करते हैं लेकिन अभी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप कहेंगे वी कान गेट इट ड्यू टू करोना या वी कान ब्रिंग इट ड्यू टू करोना और ड्यू टू लॉकडाउन भी बोल सकते हैं अब ये इस करोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत ख़राब हो रही है किड्स स्टडीज़ ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू दिस करोना किड्स स्टडीज़ ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू दिस करोना बेटा योर स्टडीज़ आर ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू दिस सो यू हैव टू डू योर स्टडीज़ बाई योर ओन छुट्टियों का मतलब नहीं है कि पढ़ाई मत करो छुट्टियों का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई मत करो हॉलीडेज़ डजेंट मीन दैट यू वॉन्ट स्टडी या यू वुड नॉट स्टडी ये जो छुट्टियाँ हैं बच्चों को तो ऐसे ही लग रहा है कि नॉर्मल हॉलीडेज़ की तरह ही हैं कि स्टडी मत करो बट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज़ क्योंकि स्कूल जो है वो मिस हो रहे हैं और बच्चों को अपनी स्टडी खुद से लेवल पे करनी पड़ रही है टीचर्स आर सेंडिंग द नोट्स नो डाउट लेकिन आपको भी अपने बच्चों की तरफ इस चीज़ को लेकर ध्यान देना पड़ेगा जैसे कि आप इंस्ट्रक्शंस दें उनको कि मैम जो ऑनलाइन पढ़ा रही है वो ध्यान से पढ़ो स्टडी और लर्न केयरफुली दैट योर मैम इज़ टीचिंग आप बीच बीच में जो उनकी क्लासेस लग रही हैं उसको देख भी सकते हैं कि वो सीरियसली पढ़ भी रहे हैं या नहीं जो होमवर्क मिल रहा है वो साथ साथ करो डू योर होमवर्क रेगुलरली दैट यू आर गेटिंग डेली डू योर होमवर्क रेगुलरली दैट यू आर गेटिंग डेली जो बच्चों को होमवर्क मिल रहा है वो भी आप चेक करें कि जो भी फ़ोन पे आ रहा है या लैपटॉप से बच्चे कर रहे हैं तो वो अपना रेगुलरली कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं सारा दिन टीवी मत देखो डोंट वॉच टी वी फॉर द होल टाइम जो छोटे बच्चे हैं वो टी वी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं मोबाइल में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप उनको अलग अलग तरह की गेम्स भी दे सकते हैं ताकि वो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने छोटे बच्चों के साथ कुछ अलग से गेम्स खेल सकते हैं अदर देन टीवी एंड मोबाइल्स तो उसमें मैं आपको एक सुजेशन देना चाहूँगी पर्सनली जो हम खेल रहे हैं हम खेल रहे हैं वर्ड गेम बच्चों के साथ जिसमें हम अपनी एक लोकल लैंग्वेज है पंजाबी और एक हिंदी और इंग्लिश वर्ड गेम ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में खेलो तो आप किसी भी अपनी लैंग अपनी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश इन दोनों का कम्बाइन करके खेलेंगे इससे क्या है बच्चे की जो विकैबुलरी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी तो और भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप किस तरह अपने बच्चे के साथ टाइम पास कर रही है ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी बहुत सारी मोटिवेशन मिल सके आपके साथ so, let's move on. सारा दिन तंग करते हो घर में ऑल द टाइम यू आर बॉदरिंग मी एट होम ऑल द टाइम यू आर बॉदरिंग मी एट होम पता नहीं तुम्हारे स्कूल कब खुलेंगे ये सब कब खत्म होगा तो ये सब पेरेंट्स की सेम स्टोरी है आज की डेट में अगर आपको लगता है कि आप कुछ और बोलते हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा आई डेफिनेटली आंसर यू इन द नेक्स्ट वीडियो और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जैसे और पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे स्टे होम स्टे हेल्दी थैंक यू